फ्रेश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। सहादरा के स्पेशल स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ज्वालानगर चौक से अवैध शराब बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। सहादरा जिला के DCP रोहित मीना ने वीरवार की सुबह 9:38 पर मीडिया से प्रेस रिलीज साझा करके बताया कि सहादरा जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि फर्श बाजार थाना क्षेत्र के ज्वालानगर चौक में एक घर के अंदर एक व्यक्ति अवैध शराब बेचता है। यदि समय रहते छापा मारा जाए तो आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये गुप्त सूचना 4 अप्रैल को मिली थी स्पेशल स्टाफ को। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन किया था, जो कि ऑपरेशन सेल के ACP महेंद्र सिंह के निर्देश पर स्पेशल स्टाफ में तैनात इंस्पेक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनी थी। इस टीम के अंदर SI प्रशांत, ASI प्रमोद, हेड कांस्टेबल अंकुर, हेड कांस्टेबल राजीव कुमार, हेड कांस्टेबल अनुज, हेड कांस्टेबल सिद्धार्थ, हेड कांस्टेबल सर्वेश, हेड कांस्टेबल विजय, हेड कांस्टेबल जगमोहन, हेड कांस्टेबल हरकेश, हेड कांस्टेबल शरद, कांस्टेबल कुलदीप, कांस्टेबल सनी, कांस्टेबल लवप्रीत इस टीम में शामिल थे। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पहुंची फर्श बाजार थाना क्षेत्र के ज्वालानगर चौक पर, जहां मुखबिर के इशारे पर घर में छापेमारी की, जहां से घर के अंदर से 359 अवैध क्वार्टर शराब और 8 आदि बोतल इंग्लिश विस्की और 44 कैन बियर की बरामद की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज किया, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 120/23 धारा 33 दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत 4 अप्रैल को मामला दर्ज किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान राजेश पुत्र स्वर्गीय मंगूराम निवासी 231 कुम्हारों का टीला ज्वालानगर चौक के पास सहादरा का है। इसकी उम्र 55 वर्ष है, जहां आरोपी से की जा रही है पूछताछ।